मारपीट के मामले में कांग्रेस से मुअत्तल लीडर नलपत को 7 मार्च तक की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। 2 दिनों के पुलिस रिमांड के बाद कांग्रेस एमएलए के बेटे नलपत आज अदालत में पेश हुआ, जिसे 7 मार्च तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। इससे पहले कल कांग्रेस एमएलए एनए हारिस ने अपने बेटे की करतूत के लिए कर्नाटक असेंबली में बाकायदा माफी मांगी थी। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई वैसी ही करेगी और कार्रवाई करने में कोई तफरीक नहीं बरतेगी। वाजिर है कि नलपत पर एक 24 साला नौजवान पर हमला करने का इल्जाम है। इसके बाद रियासती कांग्रेस ने नलपत को 6 साल के लिए पार्टी से भी बाहर निकाल दिया है। उधर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच शह और मैप का खेल लगातार जारी है। आए दिन हो रहे तशद्दुद के वाकयात को जहां बीजेपी अपना मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी इक्तदार वाली रियासतों की याद दिलाकर पलटवार करने से नहीं चूक रही। मृत्यु हो जाए ऐसी मारवाड़ी, फिर भी एफआईआर नहीं ली गई। उसके बाद में फिर से एक बार उसको मारा, तब जाकर एफआईआर ली है। जी हाँ, 3 दिन बाद ही सही कांग्रेस एमएलए के बेटे के हमले में जख्मी हुए विलक को बीजेपी सदर पार्टी कारकुनान बता रहे हैं। मतलब साफ है, कर्नाटक में भी तालीम, तरक्की और तरबियत की जगह जाति, मजहब और तशद्दुद ही मुद्दे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे बीजेपी उन महलूक और मुतासिर के घर जरूर जा रही है जो हालिया दिनों में ऐसे हादसात का शिकार हुए हैं। लैंड ऑर्डर सिचुएशन कंप्लीटली कोलैप्स्ड फ्रॉम लास्ट 4.5 years एंड डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी मर्डर्स आर टेकिंग प्लेस एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग फॉर दैट आवर सिद्धरामय्या गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल एंड पीपल आर फेड अप लाइक एनीथिंग and in the end of this days is undoing all these activities and people will teach him a lesson. BJP sadr Amit Shah ke Mangalore dore ke baad fir kisi ne ek BJP karkunan ke ghar par hamla bola hai. Intikhabi mahol ka fayda uthate hue kuch sarpasand anasir aisi karwaiyon ko lagatar anjam de rahe hain. हालांकि रियासती हुकूमत लगातार इकसा कार्रवाई की यकीन दहानी करा रही है। वहीं रियासती वजीर दाखला ने मामले को मुद्दा बनाने पर यहां तक कहा कि अगर हैरिस हिंदू होता तो बीजेपी ऐसा नहीं करती। हैरिस मगा माइनॉरिटी अंत ಹೇಳಿ ಅಮಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ? ಆ 7 ಜನದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि हालिया दिनों में बेंगलुरु और आसपास में कई तशद्दुद के वाकयात सामने आए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस एमएलए हारिस के बेटे की मारपीट को ही मुद्दा बना रही है, जबकि हारिस ने रियासती असेंबली में बाजाफ्ता तौर पर माफी मांग ली है। ऐसे में सवाल भी लाजमी हो जाता है कि एक दर्जन से ज्यादा रियासतों में उसकी भी सरकारें हैं जहां पर आम शहरी तो छोड़िए सहाफी तक भी महफूज नहीं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के लिए मासूम सिद्दीकी। और बेंगलुरु से जी मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजी इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शाहिद, सबसे पहले तो हम ये जाएंगे कि जो मारपीट का मामला था, इस मामले में क्या अपडेट है? अदालती तहवील में भेजा गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, आज जो है हारिस के बेटे नलपत हारिस ने जो है मोहम्मद नलपत ने अर्जी दाखिल की थी जमानत के लिए, तो अदालत ने जो है 14 तारीख तक यानी 7 मार्च तक के लिए 14 दिन के लिए तवील में अदालती तवील में दे दिया है। तो मामला जो है सिर्फ ये एक आप जो है मामला नहीं रहा है, ये एक सियासी मुद्दा बन चुका है जी। इसकी वजह से जो है आए दिन जो है इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं और हर लीडर जो है इस पे सियासत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस तरह के मामला होते रहते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन ये मामला एक सियासी। ठीक है, लेकिन शाहिद सवाल जैसा आपने कहा कि अब ये सियासी मुद्दा बन चुका है, सवाल यही है कि आखिर सियासी मुद्दों की कमी क्या बुनियादी मुद्दों की कमी है जो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एक बात, और वहीं दूसरी बात कि अब 3 दिन बाद बीजेपी कारकुन बताना बीजेपी सदर के जरिए, ये कैसा नजर आता है? जी देखिए, फिलहाल जिस तरह से रियासत में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो गहमागहमी चल रही है, कोई भी वारदात हो रही है तो वो सियासत की नजर हो रही है। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे वो मारपीट का हो या किसी के आपसी इख्तलाफ की वजह से मर्डर होता है, तो वो सीधा सियासत के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर कोई मरने वाला या
या इस तरह के मामले में उलझने वाला कोई हिंदू होता है तो हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, तो मजहब का सियासी कार्ड, लेकिन लेकिन इसमें तीन दिन बाद बीजेपी का कारकुन बताना बीजेपी सदर के जरिए, इसको कैसे देखें? बहुत शॉर्ट, बिल्कुल देखिए देखिए जाहिर सी बात है कि पहले से ही ये बात वाजे हो चुकी है कि बीजेपी जो है कम्युनल कार्ड खेलना चाह रही है इस मामले में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी ऐसा कोई वारदात या ऐसा कोई करप्शन सामने नहीं आया है पिछले पांच सालों में बीजेपी मुद्दा उठा सके, मुद्दों की कमी की वजह से जो है बीजेपी अपोजिशन के पास यानी कि कर्नाटक में जो अपोजिशन है बीजेपी उसके पास मुद्दों की कमी है और इस वजह से इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शायद तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा आप आगे भी अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। इधर इन सब के बीच